हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, मॉर्निंग में ही एक छोटा सा कांड हो गया। मैं किचन में रोटी बना रही थी एंड मुझे फील हुआ कि मतलब मेरे इस वाले कंधे पे कुछ हिल रहा है काफ़ी टाइम से। मतलब मैं रोटी बनाना स्टार्ट की तब से लेके एंड जब तक मेरा रोटी कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो लगातार हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये जो मोती है ना मेरे गले में, मुझे लगा कि ये कपड़े में फंस गया है। और ऐसे है जैसे कि मैं ऐसे रोटी बना रही हूँ ना, मैं हिल रही हूँ तो इसलिए ये मूर्ति भी हिल रही, मुझे ऐसा फील हुआ। बट यहाँ पे मूर्ति नहीं थी एंड आटा वाला हाथ था, सो मैं पीछे हाथ लगा के चेक नहीं कर सकती थी कंधे पे क्या है। मैं काफ़ी टाइम से रोटी बना रही थी, मतलब 5 से 8 मिनट मुझे लगे हैं कुल मिला के, 8-9 रोटी बनाई हूँ। इतना टाइम गया है रोटी बनाने में, तब तक वो चीज़ हिल रहा था। मुझे छींक आई, फिर मैंने सोचा कि ये करूँ। ऐसे छींकने के लिए गई ना, उसके बाद से मैं इसको उठा के ऐसे मुँह साफ की, फिर मेरी नज़र गई अंदर, फिर देखा कि मूर्ति अंदर पड़ा है। तो फिर यहाँ पे क्या हिल रहा है, मैं अचानक से डर गई एंड मैं ऐसे उसको पकड़ी एंड ऐसे फेंकने की कोशिश की, वो निकला नहीं बाहर जो चीज़ था अंदर। एंड मैं आपको बता दूँ अंदर क्या था, छिपकली थी, छिपकली का बच्चा था। एंड मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है एंड छिपकली का बच्चा एक तो छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा तो होगा ही। एंड यहाँ पर वो काफ़ी टाइम से था। फिर मैंने ऐसे इसको मोड़ा एंड फिर ऐसे फेंका तो वो ना गैस के सामने जाके गिरी एंड वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग के चली गई, मैंने देखा नहीं। एंड तब से लेके अभी तक मेरी जान सूखी पड़ी है। मैं दौड़ के गई, मैंने कपड़े निकाले, फिर मैंने चेक किया कहीं उसने काटा तो नहीं, चाटा तो नहीं। आंसू बोलने की छिपकली काटती नहीं है, डरो मत। एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा धक 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 होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं बाथरूम में जाके जस्ट नहा के ही आ रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, क्या आप लोग भी छिपकली से डरते हो, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। एंड ये जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बोले ना भयानक वाला जो डर होता है ना, वो हो गया। मैं सांप के बच्चे से नहीं डरती, सांप से नहीं डरती, लेकिन ये छिपकली से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। मेरे यहाँ ना बच्चे आए हैं मुझसे मिलने के लिए, मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं, तो आप लोग अपना नाम बताएंगे, जिनसे मैं पूछूंगी वही बताएंगे, ठीक है? ओके बाबू, आप बताओ आपका नाम क्या है? कार्तिक हाँ? छटकू। इतने सारे नाम क्यों है आपके? तीन? मेरा एगो ये नाम रखा था लक्ष, मेरे दो ही नाम था कार्तिक और छटकू। अच्छा, ये मेरा एक नाम रखा लक्ष। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है आपका? मैं भूल गया हूँ, भूल गए स्कूल? नहीं, कोई और स्कूल का नाम कार्तिक है। अच्छा, कार्तिक है। ओके, नहीं मैं पूछ गया। इधर आओ। नहीं बेबी, इधर सुनो सुनो सुनो, बाद में पूछना। आप इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। मुझे ये बताओ, ये आपके बाल किसने काटे? ये ठाकुर ने काटे। कौन से ठाकुर ने काटे? ठाकुर में नहीं, ये दादाजी ने काटा। और फिर एक दिन कल ना ठाकुर है ना, तो वो काटा। अच्छा, तो ये मेरा ठाकुर भी काटा। अच्छा, ये जो दादाजी है ना, जिन्होंने जिस दादाजी ने इनके बाल काटे हैं, वो दादाजी मेरे पति हैं। जो बाहर बैठे वही काटे हैं ना दादाजी? ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कौन दादाजी हैं। बाबू यहाँ आओ तो सामने, आप घूमो तो पीछे, बाल दिखाओ तो आप। ये जो अंकल बाहर बैठे हैं मेरे पति हैं, उन्होंने काटा है ना, वो आपके बाबा लगते हैं। हाँ। ओके, और मैं क्या लगती हूँ? हमारी आंटी। अगर वो बाबा हुए, मैं उनकी वाइफ हूँ, तो मैं दादी लगूंगी ना। हाँ। ओके, अच्छा नहीं, आपका अच्छा काटा है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम है सचिन और सनी और मारुति। अरे बाबा रे, इतने सारे नाम। ओके, आप लोग के तीन तीन नाम कौन रखता है इतना सारा नाम? हम अपने से रखते हैं। हाँ। ओके, तो बेबी और बताइए, आप कौन से क्लास में हैं? अच्छा, ए नर्सरी में है। ओके, और बाबू आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं संस्कारी और बबली और बबुनी और बबुनी ना और बिस्नी क्या 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 वैष्णवी। अच्छा, वैष्णवी। मैं ना, हाँ, मेरा स्कूल का नाम है ना संस, ओ गॉड, मतलब कुछ दिन के लिए ये लॉकडाउन में स्कूल क्या बंद हुआ, बच्चों ने स्कूल का नाम तक भूल गए। आपका स्कूल का नाम क्या है बाबू? ये नहीं पढ़ती है अभी। अच्छा, ये भी नहीं पढ़ती है, ये लड़की है। तो मैं तो बैग लाता ना, तो बैग लाता तो हाँ, याद पड़ गया। हाँ। संस्कृति पब्लिक स्कूल। अच्छा, संस्कृति पब्लिक स्कूल, राइट? ओके, कहाँ पे है ये? सिंघा में। सिंघा में है। हाँ। ओके, आपके पापा का नाम? रोहित राय। अच्छा, रोहित राय। मैंने यहाँ से ना गाड़ी आती है। अच्छा, आप दोनों भाई बहन है? हाँ।
ओके एंड वो जो बाबू आए थे वो भाई आप लोग बिस्किट खाएंगे? आप बिस्किट नहीं खाएंगे? आप नहीं, खाएंगी बाबू? हम मामा के वो खाएंगे ना, हाँ वहाँ पर ना बहुत बिस्कुट है, तो दुकान है वहाँ पर। अच्छा मेरे घर भी बिस्किट है, मैं ये आप लोगों को मैं बिस्किट देती हूँ। एनो बाबू कहाँ गए? उनको भी बुलाओ आप, उनको भी बिस्किट दूंगी। ए बिस्किट खाओगे? नहीं मैं मुझे अपने स्कूल का नाम पूछने गया। ये क्या नाम है आपके स्कूल का? पब्लिक स्कूल। ओके ये नकली है। हाँ हाँ बाबू इधर आइए, तो चलिए ये नमक है, आप इसको छेड़िए नहीं। आप मुझे बताइए कौन से बाबा ने आपके बाल काटे हैं? चलिए बाहर चलिए, चलिए दिखाइए। ये बाबा बाल काटे हैं आंसू, आप बाबा बन गए। ये आपके बच्चे हैं, क्या लेंगे नातिया पोता बताओ? दादी गॉड, मैं अभी माँ नहीं बनी, मैं दादी बन गई। ओके पता है आंसू, सुनो ना ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपको बाबा और मुझे आंटी बोल रहे हैं। पूछो आप, वो दादी है। अच्छा आप पहले मुझे क्या बुला रहे थे आप लोग? आंटी। हाँ। आंटी देखो। ओके आइए मैं बिस्किट देती हूँ, आइए आइए बिस्किट। ये देखो इतने सारे बिस्किट है, सबको मिलेंगे। ओके ये हाँ चीनी वाला है, इसका नाम शायद गुगली है। ओके हाँ ये सोने का है? नहीं 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 वो सोने का नहीं है, सोने का नहीं है। आप लोग बिस्किट लीजिए। ओके खाइए खाइए खाइए, सारा आप लोग खाना है ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, आप आंगन की हालत देख के समझ सकते हो। मैं अभी जस्ट बाहर निकली हूँ एंड अभी मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। आप देखो आसमान कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बेटू बाहर देखो, इधर बेटू आए, सुनो खाओ खाओ।